बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट पोइम ऑफ आवर सिलेबस, दैट इज़ इन ब्रोकन इमेज, रिटन बाय रॉबर्ट ग्रेव. दैट इज़ वेरी थॉट प्रोवोकिंग पोइम एंड इट गिव अस अ मोरल लेसन एज वेल. सो एट द बिगिनिंग ऑफ द पोइम वी विल डिस्कस इन इंग्लिश द मेन आइडिया ऑफ द पोइम एंड देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इन उर्दू. इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल. सो फर्स्टली आई वुड डिस्कस द मेन आइडिया ऑफ द पोइम इन इंग्लिश. The poet compares himself with a sharp person. The sharp person has clear image. He trusts his clear image and assumes relevancy of his finding. His facts fail him, he gets confused, and therefore dull is understanding. On the other hand, the poet is dull and has broken image. He mistrusts his image and doubts his finding. He thinks more and more, he finds the truth and therefore become a sharp. So we will discuss in Urdu as well. ये नज़म हमें दस देती है कि ज़रूरत से ज़्यादा खुद इतमादी ज़वाल का सबब बनती है. ज़हीन और फतीन लोग अमूमन मगरूर और घुमंडी होते हैं. वो अपने तसव्वुरात पर भरोसा करते हुए और अपनी सोच को पूरी तरह समझते हैं, इसलिए अपने तसव्वुरात पर मबनी नतायज को हतमी समझ लेते हैं, मगर इनके नतायज इन्हें नाकाम बना देते हैं. जबकि इसके बरक्स कुंज ज़हन आदमी कभी अपनी सोच पर भरोसा नहीं करता और अपने तसव्वुरात पर शक करता है और हकीकत पाने की फ़र्ज से गर्ज से खोज एंड जस्तजू में लगा रहता है और अपने गैर वाज़े ख्यालात से रुनुमा होने वाले नतायज से मुतमईन नहीं होता. वो इनकी सेहत पर जो है शुबा करता है. मसला तहकीक इस पर सच्चाई को खोल देती है और सच पा लेता है. इसकी मबम सोच वाजे होती चली जाती है और कुन जहन से जहन बन जाता है. ये नज़म हमें तहकीक, छानबीन और खोज लगाने का सबक देती है, जो मुतवातिर जस्तजू सच्चाई पा लेने का वैध रास्ता है. सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस पोइम स्टेप बाई स्टेप. दैट इज़ द फर्स्ट रेफर टू द कंटेस्ट. वी विल डिस्कस अबाउट द रेफर टू द कंटेस्ट एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द अदर थिंग दैट इज. सो दिस इज द रेफर टू द कंटेक्स्ट. द मेन आइडिया ऑफ द पोइम फर्स्ट वी विल डिस्कस एंड देन आफ्टर द रेफर टू द कंटेक्स्ट. मेन आइडिया ऑफ द पोइम, अ पर्सन शुड रिमेन इनक्विजिटिव अबाउट द इमेज ऑफ लाइफ. ओवर कॉन्फिडेंट एंड हेस्टी पर्सन कैन नॉट गैस द फैक्ट प्रॉपरली. अ थॉटफुल एंड केयरफुल पर्सन बिकम शार्प एंड बीइंग शो and steady he wins the race. So we will discuss about the other thing, that is the reference to the contest. So what is reference to the contest? Reference, these lines have been taken from the poem In Broken Image by Robert Grave. What would be the context of the poem? The poet said that we should not live a dull and confused life by taking things for granted or assuming fact without questioning their relevance. True understanding of things came by using our mental faculties and avoiding hasty conclusions. So we will discuss about this. Then what would be the this is the first two lines. He is quick thinking and clear image. Wo sabak raftar wazeh tasavvurat ke gumaan mein. I am slow thinking in broken image. Main sus raftar shikasta तहवरात के गुमान में हूँ. सो वट वुड बी द एक्सप्लेनेशन. देन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोइम दीज टू लाइन. द पोएट डिस्क्राइब द टू पर्सन एंड देयर डिफरेंट अप्रोचेस टूवर्ड द कंसेप्शन एंड मेंटल पिक्चर. ओनली इज क्विक एंड हेस्टी वाइल द अदर्स इज स्लो एंड स्टडी. क्विक वन टेक्स द थिंग्स इन अ हेस्ट थिंक and thinks that he has grasped them very well, while the poet himself thinks that his concepts are still unclear and wants clarification. अब इन लाइन्स में जो है दो बंदों को जो है वो आप करता है और दो बंदों के बारे में बताता है कि वो. सो शायर जो है इसमें ये कहता है कि एक आदमी दूसरे आदमी के जो ना अप्रोचेज जो है डिफरेंट है और कंसेप्ट और मेंटल अप्रोच भी डिफरेंट है. एक आदमी जो बहुत ज़्यादा जल्दी होता है जबकि दूसरा जो है स्लो होता है. क्विक आदमी जो है वो चीज़ों को जो है जल्दी में रहता है और उसके ऊपर ग्रैस पाने की कोशिश करता है,
जबकि दूसरी तरफ पोएट अपने आप को ये तस्वर करता है कि वो अपने इमेजेस में क्लियर नहीं है और इसलिए वो बार बार तहकीक करता है, सोचता है ताकि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लर्न हो। अब हम जो है इसके नेक्स्ट जो है लाइन्स की तरफ जाएंगे, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सो इन फ्रंट ऑफ अस देर आर द लाइन, वो कुंजैन बन जाता है, ही बिकम अ डल ट्रस्टिंग एंड हिज क्लियर इमेज, वो कुंजैन बन जाता है और अपने वाज़ह तसव्वुरात पर भरोसा रखते हुए, इट बिकम शॉप मिसट्रस्टिंग माई ब्रोकन इमेज, आई बिकम शॉप, वो कहते हैं और मैं ज़हीन बन जाता हूँ अपने शिकस्त तसव्वुरात पर भरोसा रखते हुए। अब ये जो लाइन्स है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक आदमी जो है वो डल होता जाता है जब वो अपने क्लियर इमेज रखता है, और जबकि एक आदमी जो हर वक्त खोज में लगा रहता है कि उसको मज़ीद बेहतर होने की ज़रूरत है, तो उसे जो है वो मज़ीद जो है खोज लगाता है, इस तरह उसे नया मिलता है। अब हम तीसरी चौथी लेंस का जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे, द पोएट डिस्कस द कंडीशन ऑफ द बोथ पर्सन लॉजिकली एंड सिस्टमेटिकली, शायर जो है दोनों आदमियों के जो है एक जो है नज़रिए के लिहाज से और एक तरीके के लिहाज से ना डिस्कस करता है। ही सेड दैट द क्विक वन एंड द पोएट द क्विक वन द प्राइड पोएट प्राइड ट्रस्ट क्विकली, जो तेज़ आदमी होता है वो फ़ख्र करता है और जल्दी यकीन कर लेता है, एंड हेस्टली विदाउट रेजिंग द क्वेश्चन, बगैर सवाल को उठाए हुए, ही थिंक्स दैट द कंसेप्ट आर क्लियर, वो सोचता है कि इनके नज़रियात बहुत वाज़ह हैं, सो ही लर्न्स लेटर, इसलिए वो थोड़ा सीखता है, ही लॉसेज द इंटरेस्ट एंड द बिकम अ डल, वो अपनी तवज्जो छोड़ देता है और बिल्कुल डल हो जाता है, वाइल द पोएट फील दैट ही स्टिल नीड्स टू बी अंडरस्टैंड द मैटर, और जबकि शायर ये सोचता है कि उस मसले को उसको जानने की ज़रूरत है, सो इनक्विजिटिव एटीट्यूड मेक्स हिम शार्प, इसका ये सवालिया और जो जानने वाला जो रवैया होता है उसको तेज़ कर देता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ। सो वी विल डिस्कस अबाउट लाइन नंबर 5-6, ट्रस्टिंग इज इमेज ही अस्यूम देयर रियलनेस, अपने तसव्वुरात पर भरोसा करते हुए वो इनका पर अमल तस्लीम कर लेता है, मिस ट्रस्टिंग माई इमेज आई क्वेश्चन देयर रेलवेंस, मैं अपने तफर तसव्वुरात पे भरोसा करते हुए उन पर एतराज़ करता हूँ ताकि मैं उसके ऊपर जान सकूँ। अब हम इनकी लाइन को एक्सप्लेनेशन देखें, द पोएट सेज दैट हिज फ्रेंड ट्रस्ट द इमेज कंसिडरिंग देम रेलिवेंट टू द पॉइंट, उसका जो दोस्त होता है उसका जो है मुतलका सोचते हुए उसका जो है नतज पर ढूंढ लेता है, बट पोएट डाउट्स हिज कंसेप्ट, लेकिन शायर जो है अपने नज़रियात के ऊपर जो है वो शक करता है, हिज कंसेप्ट एंड मेक रिसर्च विच लीड्स टू हिम फैक्ट, जबकि वो रिसर्च करता है जो उसको अपने फैक्ट तक ले जाती है। अब हम जो है इसका जो है नेक्स्ट देखते हैं, दैट अस्यूमिंग देयर रेलेवेंस ही अस्यूम द फैक्ट, इसके बरमहल होने पर नाज करते वो हकीकत को तस्लीम कर लेता है, क्वेश्चनिंग देयर रेलेवेंस आई क्वेश्चन द फैक्ट, मैं इस बरमहल होने पर एतराज़ करते हुए हकीकत पर शक करता हूँ, इट मीन्स ये है कि मैं उनके ऊपर भी मज़ीद खोज लगाने की कोशिश करता हूँ। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस, नो देर इज़ एक्सप्लेनेशन लाइन, द शार्प पर्सन थिंक्स दैट हिज फाइंडिंग्स आर रेलिवेंट, शार्प पर्सन ये सोचता है कि उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो इसके मुतलका है, देयरफॉर ही अस्यूम द फैक्ट, इसलिए वो क्या कि तमाम फैक्ट्स को जो है एक फर्ज कर लेता है, ही थिंक्स दैट वट एवर ही हैज़ फाउंड, वो ये सोचता है कि जो कुछ भी उसने ढूंढा है इज़ द मेयर ट्रूथ, ये सच है, वाइल ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ द पर्ट हु इज़ डल पर्सन, जबकि वो आदमी जो बिलखाली जहन है कुन जहन है, चैलेंज द रेलिवेंसी ऑफ हिज फाइंडिंग, अपनी इस तलाश को जो है उसके मुतालिक ढूंढता है, ही मेक्स अ थ्रू रिसर्च वेदर हिज रिजल्ट आर करेक्ट आर नॉट, वो अपनी इन रिसर्च को जो है ढूंढने की कोशिश करता है कि वो वेदर ठीक हैं या गलत है। अब हम जो है क्वेश्चंस करेंगे, व्हेन द लाइन नंबर 9-10, व्हेन द फैक्ट्स फेल हिम ही क्वेश्चंस द सेंसेस, जब हकीकत उसे मायूस करते हैं तो अपने हवास पर शक करते हैं, एंड व्हेन द फैक्ट फेल मी आई अप्रूव माय सेंसेस, और जब हकीकत जब मुझे मायूस करते तो मैं हवास की तस्दीक करता हूँ। अब हम जो है इन लाइंस को जो है एक्सप्लेनेशन देखेंगे, द पोएट सेज दैट व्हेन हिज फ्रेंड फाइंड्स द फैक्ट अपोजिट टू, जब वो कहता है कि जब उसका दोस्त अपनी फाइंडिंग्स के अपोजिट रिजल्ट लेता है, वट ही हैज़ थॉट, जो उसने सोचा है, ही इज़ कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज हो जाता है, ही ब्लेम्स हिज सेंसेस विद, वो अपने जो है हवासे खमसा को जो है इल्ज़ाम देता है,
वाइल कुड नॉट ग्रैप द फैक्ट प्रॉपरली, जबकि उन हकायक के ऊपर पूरी तरह काबू नहीं पा सकता। ही सस्पेक्ट द अंडरस्टैंडिंग, वो जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग को शक करता है। वाइल द पोएट इज़ हैप्पी, जबकि पोएट बहुत खुश है। बिकॉज हिज इंक्विजिटिव नेचर सेव हिम, क्योंकि उसकी जो सवालिया और जांच पड़ताल करने वाली नेचर है उसको महफूज रखती है। ही वॉज ऑलरेडी थिंकिंग दैट नथिंग वॉज रेलिवेंट टू द फैक्ट, और वो पहले से सोच रहा होता था कोई चीज़ भी इसके बिल्कुल रेलिवेंस में नहीं है। सो इन दिस वे द कंसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग प्रूव रिलायबल, इस तरह जो है उनके जो नज़रियात हैं और अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छे फील करता है। सो वी विल डिस्कस अबाउट द लाइन नंबर 11-12। इज ही कंटिन्यूज क्विक एंड डल इन हिज क्लियर इमेज, वो अपने वाज़े तसव्वुरात में तेज़ रफ्तारी और कुन ज़हनी का सफ़र जारी रखता है। आई कंटिन्यू स्लो एंड शार्प इन माई ब्रोकन इमेज, मैं अपने शिकस्त तसव्वुरात समेत सुस्त रवि और ज़हानत का सफ़र जारी रखता हूँ। यानी मीन टू से मैं ऐसा ऐसा करके बहुत ज़्यादा लर्न करता हूँ, जबकि वो तेज़ी से जो है वो खोजने लगाता और आगे बढ़ जाता है। अब हम इनकी जो है लाइन्स को देखेंगे। द पोएट कंक्लूड दैट हिज फ्रेंड डज नॉट मेंड हिज वेज, शायर ये कहता है उसका जो दोस्त होता है जो जल्दी होता है वो अपना रास्ता नहीं बढ़ाता। एंड रिमेन स्टिल ओवर कॉन्फिडेंट एंड क्विक, और वो ओवर कॉन्फिडेंट रहता है और जल्दी रहता है। सो ही डज नॉट लर्न बिकॉज ऑफ लेक ऑफ इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट की वजह से जो है इंटरेस्ट में कमी की वजह से ज़्यादा नहीं सीखता। सो ही बिकम डल, वो डल हो जाता है। वाइल द पोएट्स कीप ऑन थ्रेडिंग द सेम पाथ एज यूजुअल, जबकि शायर जो है ऐसा ऐसा जो उसी रास्ते पर चलता रहता है जिसकी वो कोशिश करता है। ही इंक्वायर्स अबाउट द पॉइंट्स, वो कह नज़रियात के बारे में जानता है। एंड लर्न्स मोर देन वन मेथड और आंसर, वो जो है एक से ज़्यादा मेथड को ढूंढता है और आंसर को भी ढूंढने की कोशिश करता है। ही ओवर हेयर दिस इंक्विजिटिवनेस मेक्स वाइजर ग्रेजुअली, ऐसा ऐसा ये जो उसका जाँच पड़ताल का तरीका है उसको बहुत ज़्यादा जो है अकलमंद बना देता है और इस तरह वो ज़्यादा लर्न करता है। सो वी विल डिस्कस अबाउट द लाइन नंबर 13-14, दैट इज़ द लास्ट लाइन। सो ही इज़ न्यू कन्फ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, वो अपनी समझ बूझ की वजह से एक नए उलझाव में है। आई इन अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कन्फ्यूजन, और मैं अपने उलझाव की वजह से एक नई सोच बूझ रखता हूँ। सो ओवर हेयर उसकी फाइंडिंग में अब जो है जो उसके दोस्त हैं वो जो है एक नई किस्म की जो ना उलझन का शिकार है अपनी फाइंडिंग में, जबकि मैं जो है उलझाओं की वजह से एक नई सोच विचार में खोज में लगा हुआ। सो वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सप्लेनेशन लाइन नंबर 13-14। द पोएट कंक्लूड द पोएम ब्यूटिफुली, शायर खूबसूरती से इस नज़म को जो है वो ख़त्म करता है। दैट द क्विक एंड ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन ब्लेम हिज अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेप्शन, के एक जल्दी और ओवर कॉन्फिडेंट आदमी जो होता है वो अपने अंडरस्टैंडिंग को हर वक्त ब्लेम करता है, इल्ज़ाम देता है। ही रिपेंट अपॉन द पुअर अंडरस्टैंडिंग, और अपनी इस खस्ता अंडरस्टैंडिंग के ऊपर वो जो पछताता है। वाइल द पोएट सेज, जबकि पोएट कहता है हु रिमेन स्लो, जो बहुत ऐसा रहता है बट इंक्विजिटिव, लेकिन खोज में लगा रहता है। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ हिज कन्फ्यूजन, वो अपनी जो है इस परेशानी का हल ढूंढ लेता है। ही ग्रेस्प द रियलिटी एंड इज़ हैप्पी, वो हकीकत को जान लेता है और बहुत खुश होता है। इन द एंड ही इज़ सक्सेसफुल, और आखिर में वो कामयाब हो जाता है। ही अप्रिशिएटेड हिज अंडरस्टैंडिंग, उसकी इन तमाम जो है अंडरस्टैंडिंग को वो दाद देता है। सो द पोएट कन्वे द मैसेज दैट, द पोएट जो है ये मैसेज देता है, अ पर्सन शुड बी इंक्विजिटिव, एक आदमी को जो हमेशा खोज में लगा रहना चाहिए। टुवर्ड द इमेजेस ऑफ लाइफ, जिंदगी के जो है इमेजेस के बारे में। इंक्विजिटिव नेचर ओपन न्यू हॉरिजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो खोज लगाने वाली फितरत होती है वो नए से नए जो है आपके जो है ना अंडरस्टैंडिंग पैदा करती है। सो वी हैव कंप्लीटेड द लाइन नंबर 13-14, आवर एक्सप्लेनेशन हैव बीन कंप्लीटेड ओवर हियर। सो वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द पोएम। फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर हियर, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ अ पर्सन वन हु ट्रस्ट क्लियर इमेज, उस बंदे का क्या हाल होता है जो क्लियर इमेज के ऊपर यकीन करता है। एंड अदर हु मिसट्रस्ट द ब्रोकन इमेज, और दूसरा जो है टूटे फूटे नज़रियात के ऊपर जो है यकीन करता है। पर्सन हु हैज़ क्लियर इमेज, एक आदमी जो वाजे अपने ख्यालात रखता है। ट्रस्ट हिज क्लियर इमेज टू अस्यूम द फैक्ट, वो अपने इस इमेजेस के ऊपर यकीन करते हुए जो है अपने फैक्ट को हकायत को तसव्वुर कर लेता है।
ही गेट कन्फ्यूज वैन इट फैक्ट्स फेल हिम, और जब उसके ये नज़रियात फेल हो जाते हैं तो वो कन्फ्यूज और परेशान हो जाता है। ऑन द अदर हैंड द पोएट हैज़ ब्रोकन इमेज, जबकि दूसरी तरफ शायर जो है अपने टूटे फूटे नज़रियात रखता है एंड मिसप्रस्ट हिज इमेज, और अपने इस ख्याल के तस्वुरात के ऊपर जो है यकीन नहीं रखता। एंड ही फाइंड द ट्रुथ, और वो सच भी ढूंढता है और नहीं राय उसके लिए खुलती है। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई डज अ पर्सन क्वेश्चन हिज सेंसेस व्हेन द फैक्ट फेल हिम, एक आदमी जब उसकी जो है सेंसेस से सवाल क्यों करता है जब उसके हकायक जो है नाकाम होते हैं। द क्विक पर्सन थिंक्स दैट हिज फाइंडिंग्स आर एक्यूरेट, जो जल्दी आदमी होने वाला था वो कहता है कि इसकी फाइंडिंग जो है बिल्कुल सही है। व्हेन हिज फाइंडिंग प्रूव रॉन्ग, जब उसके ये नज़रियात गलत साबित होते हैं, ही गेट्स कन्फ्यूज एंड क्वेश्चन द सेंसेस, और वो परेशान हो जाता है और अपने हवास से जो है वो सवाल करना शुरू कर देता है। अब जो है क्वेश्चन नंबर जो है थ्री है, हु इज़ न्यू कन्फ्यूजन इज एन अंडरस्टैंडिंग, दैट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। द क्विक पर्सन ट्रस्ट हिज क्लियर इमेज, जो जल्दी आदमी होता है अपने जो है वाजे जो है नज़रियात के ऊपर यकीन रखता है। ही थिंक्स दैट द फाइंडिंग इज एक्यूरेट, वो ये सोचता है कि उसकी फाइंडिंग जितनी भी हैं वो बिल्कुल ठीक है। व्हेन द फाइंडिंग्स प्रूव बी टू बी रॉन्ग, और जब फाइंडिंग जो है गलत साबित होती है, ही गेट कन्फ्यूज एंड ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग की वजह से जो है बहुत परेशान हो जाता है। तो सो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है योर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वी विल डिस्कस अबाउट अनदर, दैट इज द क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज द मोरल लेसन ऑफ द पोएम, इस पोएम का जो है वो अखलाकी सबक क्या मिलता है हमें। द पोएट टेल अस दैट वी शुड नॉट अस्यूम फैक्ट, शायर हमें कहता है कि हम अपने नज़रियात को जो है फर्ज ना करें। वी शुड मेक अ थॉरो रिसर्च टू फाइंड आउट द फैक्ट, हमें जो है एक डीपली एक गहराई से रिसर्च करनी चाहिए अपने नज़रियात को ढूंढने के लिए। दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल एंड्स आवर कन्फ्यूजन, इस किस्म की जो कोशिश होती है वो हमारी परेशानी को दूर करती है। एंड मेक अस श्योर, और हमें जो है वो तेज़ करती है। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर पोएम, वी हैव डिस्कस अबाउट आवर क्वेश्चन एज वेल एंड एज वेल एक्सप्लेनेशन रेफर टू द कंटेक्स्ट एंड मेन आइडिया ऑफ द पोएम। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस पोएम एंड एज वेल एज द अदर्स अदर लेसन विच आई हैव अपलोडेड एट माई यूट्यूब चैनल, यू मे ऑल्सो सेंड मी यूर फॉर यूर सजेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस चैनल। माई ई मेल एड्रेस इज ओवर हेयर, यू कैन ऑल्सो राइट मी इफ यू थिंक दैट देर वुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूविंग दिस चैनल, यू मे राइट मी, आई वुड वेट फॉर यूर रिप्लाई। एंड एट द एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन रिसीव ऑल द वीडियोज़ ऑन एवरी डे। थैंक यू सो मच, अस्सलामु अलैकुम, थैंक यू सो मच अगेन।